हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों ने मतलब कमेंट किया है कि सर मैंने सारा प्रोसेस कर दिया है मेल का और मेरा कितने दिन बाद अपडेट होगा। तो गाइस मैं बता दूं, अगर आप मेल से अपडेट कराना चाहते हो तो आपका एक हफ्ते से 90 दिनों का समय लगता है, ठीक है। मतलब 7 दिन से आपका 3 महीने तक आपको वेट करना होता है, ठीक है गाइस। वेट करने के बाद से ही आपका जो मेल आता है, जब आप मेल करते हो आपके, उसके बाद से आपको एक सबके साइडी मिलता है, ठीक है। सबके साइड ही मिलने के बाद से जो सारा प्रोसेस है मैं आपको फिर इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए गाइस, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपको आधार से रिलेटेड और पासपोर्ट से रिलेटेड आपको पोस्ट करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइज मैंने आपको बता रहा था कि आपका जैसे मेल करने के बाद से 7 दिन या 90 दिनों के अंदर में अपडेट हो जाता है, और अपडेट होने के बाद से आपको पहले जो है क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने सारा वीडियो में आपको बताते रहता हूं कि आपको जो जो प्रोसेस करना होता है सारा मैंने आपको वीडियो में बताया है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूं कि स्टेप बाई स्टेप बता के, प्रैक्टिकली करके तो नहीं बताऊंगा लेकिन स्टेप बाई स्टेप करके मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मेल के लिए आपको क्या करना होता है कि एक आपका बॉर सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑनलाइन वाला, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, और बहुत सारे लोगों के पास ऑफलाइन वाला भी बॉर सर्टिफिकेट है तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या मार्कशीट है या बॉर सर्टिफिकेट है, इस दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उससे आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि आपने जो फर्स्ट टाइम में अपडेट कराया था, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आप दो ही बार अपडेट करा सकते हैं, तो आपने जब फर्स्ट टाइम में अपडेट कराया था तो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराया था, ये चीज़ जानकारी में रहना चाहिए आपका। अगर नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपडेट कराओगे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये UDI के गाइडलाइन को लेकर आपको चलना है मेल के लिए। मेल में थोड़ा सा आप अगर अच्छे से सारा प्रोसेस कर देते हो गाइस, तो आपका बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं लगने वाला, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, आपका वैसे ही लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। जो लिमिट क्रॉस के वजह से कितने सारे लोग परेशान रहते हैं, ठीक है गाइज, मेरे पे इतना सारा कॉल आता है, मैसेज आता है गाइज, मैं सबका अटेंड नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं मेल वाला प्रोसेस आप सभी लोगों को बताता हूँ। और जिन लोगों का मतलब ज़्यादा अर्जेंट रहता है उन लोगों का मैं तत्काल प्रोसेस कराता हूँ, 2 दिन में उनका अपडेट हो जाता है गाइज, ठीक है। जिसको भी तत्काल मतलब अर्जेंट में प्रोसेस कराना है, ठीक है, वो मुझसे अपडेट करा सकता है गाइस, ठीक है। 2 दिन में अपडेट होगा, क्योंकि अभी भर्ती भी आने वाली है आर्मी की मई में, तो जिसको भी अपडेट करवाना है तो वो जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको मेल वाला प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपके 2-3 महीने आपके पास टाइम है तो आप ये प्रोसेस करके भी अपडेट करा सकते हो, अगर नहीं होता है तो आपका साहिल भाई है ही, ठीक है। देखो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है तो आपको सबसे पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक UDI की तरफ से फॉर्म बनाया गया है, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फॉर्म जो है घोषणा पत्र बोलते हैं हिंदी में, इसको आपको भरना होता है कि आपने फर्स्ट में टाइम में कब अपडेट कराया था, दूसरा टाइम अपडेट क्यों करा रहे हैं, ठीक है। और अपने फादर का, जैसे जो गार्जियन होते हैं घर के, मदर फादर, उनका साइन लिया जाता है, उस पर एक मुखिया का भी साइन आप ले सकते हैं, और आपका सिग्नेचर रहता है, तो एक प्रमाण घोषणा पत्र हो जाता है, एक प्रमाणित करके इसको ये मेल किया जाता है UDI के रीजनल ऑफिस में, ठीक है। मेल करने के बाद से जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट से आपको क्या करना होता है, मेल से पहले बर्थ सर्टिफिकेट से आप आधार सेंटर पे या UCL किसी भी नॉर्मल जो बायोमेट्रिक, अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराएंगे तो उसमें अगर बायोमेट्रिक आपका नहीं हुआ होता है तो उसमें बायोमेट्रिक भी ऐड करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बायोमेट्रिक ऐड करा लोगे उसके बाद से भी वो प्रोसेस हो सकता है, या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं भी कराते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जाना है एक आधार सेंटर से, या जो BSNL ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, या बैंक में होता है, कहीं से भी आप अपडेट करा लो, जो उसकी आधी पर्ची होती है, फुल पर्ची होती है, उसी को, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, और जो आप नए अपडेट कराया हो स्लिप, ठीक है, और आधार कार्ड का PDF बना के आपको मेल करना होता है। मेल करने के बाद से ही आपको सबके साइडी मिलती है। सबके साइडी जब मिल जाती है तो आपको एक कंप्लेन स्टेटस चेक करना होता है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है, ये वीडियो है, आप जाके देख लेना कैसे चेक करते हैं, ठीक है।
तो जब आपका सब केस आईडी आ जाता है उसके बाद से अपना स्टेटस चेक किया जाता है कि हाँ हमारा प्रोसेस एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं, इसीलिए कंप्लेन आधार स्टेटस चेक किया जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद से आपको वेट करना होता है, सारा प्रोसेस कर लीजिए आप, वेट कर लो। और किसी किसी का एक महीने के अंदर में हो जाता है, जिसका जैसे क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारा आधार का काम होता है और एक दिन में कम से कम करोड़ों रिक्वेस्ट, जैसे आपने अपडेट कराया किसी और ने अपडेट कराया, तो इसी तरह सारा इंडिया में बहुत सारे लोग हैं तो वो एक ही बार अपडेट कराते हैं और वो रिक्वेस्ट जाता ही रहता है। तो हर स्टेट का जो रीजनल ऑफिस होता है अलग अलग होता है, उनको डिवाइड किया जाता है, तो किसी का पहले चला जाता है रिक्वेस्ट किस एम्प्लॉयर के पास यूडीआई के, तो उसको देख के एक्सेप्ट जल्दी से कर दिया जाता है, ठीक है। तो और जिसका मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो उनका 3 महीने का समय दिया जाता है कि आपका 3 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो ये भी गाइस मैं बता दूं, अगर थोड़ा भी आपने मिस्टेक अगर करेंगे तो उसमें आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो अपडेट नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अगर परेशान नहीं होना है आप लोगों का, 90 दिन तक आप सारा प्रोसेस करके आप 90 दिन का इंतज़ार करो। 90 दिन में अगर नहीं होता है तो आपका साहिल भाई है, आपका सिर्फ 2 दिन में अपडेट कराएंगे हम, और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग आधार से रिलेटेड और आधार एम्प्लॉयर हैं ही, और आप लोगों को परेशान नहीं होना है और किसी के झांसे में नहीं आना है गाइस कि मैं करा दूंगा। आप जहां भी कराओ पेमेंट आप काम होने के बाद से ही देना गाइस, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग आपको कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करेंगे कि मैं अपडेट करा दूंगा, लेकिन उन लोगों के चक्कर में आप ना फंसे तो सही है, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले गाइस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि जितने भाई लोगों का मतलब ये प्रॉब्लम है आधार कार्ड लिमिट क्रॉस वाला, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।